नमस्कार। दैनिक नक्षत्र राशिफल में आप सबका स्वागत है। आज का प्रेडिक्शन है 5 दिसंबर 2021। पंचांग आज का इस प्रकार है, विक्रम संवत 2078, मृगशीर्ष मास माघसर मास शुरू हो रहा है। मृगशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकम तिथि है रविवार। योग सूढ़ है, करण बालव है, चंद्र राशि वृश्चिक और धनु है। सुबह में 7:47 यानी कि 7:47 तक वृश्चिक राशि रहेगी, नक्षत्र ज्येष्ठा रहेगा और इसके बाद नक्षत्र मूला स्टार्ट होता है और चंद्र राशि जो है वो धनु होगी। ग्रहों की परिस्थिति कुछ आज इस प्रकार है, सूर्य का जो नक्षत्र है वो ज्येष्ठा है और चंद्र का नक्षत्र मूला है, दोनों कट्टर शत्रु हैं। तो आज स्पेशल देखते हैं कि लव रिलेशनशिप, मेल फीमेल रिलेशन, पति पत्नी के संबंध कैसे रहेंगे। तो सूर्य जो है वो मेल को रिप्रेजेंट करते हैं, चंद्र जो है वो फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं और भले ये नक्षत्र अति मित्र और संपत हैं एक दूसरे के लिए, लेकिन बहुत कॉन्ट्राडिक्शन वाली बात है कि यहाँ पर योनि दोष बनता है। ज्येष्ठा की जो योनि है ये मृग योनि है, मृग माने हिरण, और जो मूला की नक्षत्र की योनि है वो श्वान है, श्वान माने कुत्ता, और ये जो शास्त्रोक्त हैं ये कट्टर शत्रु हैं दोनों। भले ज्येष्ठा से मूला संपत है लेकिन 100% संपत बेनिफिट देने वाले नहीं हैं, और मूला से जो ज्येष्ठा है वो अति मित्र नक्षत्र है, लेकिन ये इतना बेनिफिशियर तो हिरण के लिए कुत्ता कैसे बेनिफिट वाला हो सकता है। जो जंगली कुत्ते होते हैं वो तो हिरण को खा जाते हैं, मतलब मार डालते हैं। तो आप समझते हैं कि जो योनि का जो योनि का कैरेक्टर है वो कितना ज़बरदस्त काम करता है। पृथ्वी ग्रह का नक्षत्र योनि आप प्रिडिक्शन के अंदर यूज़ करें, यदि आप प्रिडिक्शन के अंदर नए हो तो आपको इसका वंडरफुल इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो मेल फीमेल रिलेशन में बताएं कि सूर्य के लिए जो चंद्र है वो संपत है, लेकिन यहाँ पर योनि दोष के कारण आज थोड़ा सा कम्युनिकेशन के अंदर दोनों पार्टनर के बीच में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि बुध जो है वो बुध भी ज्येष्ठा नक्षत्र में चल रहे हैं जो चंद्र के शत्रु नक्षत्र में है। मंगल ग्रह आज राशि परिवर्तन कर रहे हैं, मंगल सुबह 6 बजे इंडिया टाइम पर चलेंगे वृश्चिक राशि के अंदर। तो ये मंगल का भी ट्रांजिट होगा सूर्य बुध और केतु के साथ, और चंद्र जो है वो धनु राशि में होंगे 7:47 के बाद सुबह में। तो चंद्र से 12वें स्थान में ये सब ग्रहों का जमावड़ा होगा, सूर्य मंगल बुध और केतु। तो प्रेडिक्शन में प्रत्येक राशि के लिए प्रत्येक नक्षत्र के लिए भी बात करते हैं। ग्रहों की परिस्थिति पहले इस आपको समझा देते हैं। बुध भी वृश्चिक ज्येष्ठा के अंदर है, गुरु कुंभ राशि के अंदर घनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण के अंदर है, शुक्र उत्तराषाढ़ा के प्रथम चरण में धनु राशि में है, शनि मकर राशि में श्रवण नक्षत्र में, राहु वृषभ राशि में कृतिका नक्षत्र में, और केतु का जो नक्षत्र है वो अनुराधा का दूसरा चरण है, और जो राहु है इसका कृतिका का चौथा चरण है वृषभ राशि के अंदर। तो आइए जानते हैं आज की इस प्रेडिक्शन के अंदर राशि से और नक्षत्र से प्रत्येक राशि में जन्मे हुए जातकों के लिए क्या फल होगा। तो पहले बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए। चंद्र आपके भाग्य स्थान के अंदर है जो आपके लिए भाग्य में, आज हम बात करेंगे धनु राशि और मूला नक्षत्र के बारे में, क्योंकि 7:47 को मतलब मोस्ट प्रोबेबली दिन की शुरुआत के अंदर ही धनु राशि स्टार्ट हो जाती है और नक्षत्र मूला रहेगा, तो हम उसका ही प्रेडिक्शन करेंगे आज। तो धनु राशि और मूला नक्षत्र आज आपके भाग्य में वृद्धि करने वाले हैं। अश्विनी नक्षत्र के लिए जो मूला है वो जन्म तारा है, तो आपके लिए भाग्य में वृद्धि निश्चित है।
भरणी के लिए ये अति मित्र नक्षत्र है और कृतिका के लिए ये मित्र तारा है, तो आप सबके लिए आज का दिन जो है वो भाग्य में वृद्धि करने वाला है। मूला नक्षत्र और रविवार, इट्स कॉल्ड सिद्धि योग, कार्य सिद्धि योग बनता है क्योंकि इसको सिद्धि योग बोलते हैं। रविवार एंड मूला नक्षत्र बहुत शुभ दिन माना जाता है। कुछ भी आप नया काम स्टार्ट करते हो तो उसको आप अपनी लगन से इसको फिनिश कर सकते हो। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन बहुत शुभ है, भाग्य में वृद्धि करने वाला है। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए चंद्र आठवें स्थान के अंदर होंगे। वृषभ कृतिका के लिए ये मित्र तारा है, लेकिन वृषभ रोहिणी के लिए इसका फल शुभ नहीं होगा क्योंकि चंद्र आठवें स्थान के अंदर और वध नक्षत्र में है। तो सबसे ज़्यादा अनकम्फर्ट जोन है वृषभ रोहिणी, जिनका जन्म का सूर्य है या जिनका जन्म का चंद्र रोहिणी नक्षत्र में है। वृषभ वृक्षिरा के लिए ये ट्रांजिट साधक नक्षत्र के अंदर है, तो आपके लिए ये कहीं से गुप्त लाभ करवाने वाली है। मिथुन राशि वृक्षिरा के लिए चंद्र सेवंथ हाउस के अंदर होंगे, तो पब्लिक लाइफ में आपको कुछ बेनिफिट मिलने की संभावना है। मिथुन आद्रा के लिए चंद्र का नक्षत्र प्रत्यय है, ऑपोजिशन होगा, कहाँ से होगा, आपके पार्टनर के साथ होगा। मिथुन पुनर्वसु के लिए ट्रांजिट ठीक नहीं है क्योंकि आपके लिए भले सेम तारा है लेकिन यहाँ पर योनि कॉन्फ्लिक्ट बनती है क्योंकि पुनर्वसु की जो योनि है ये मांजर योनि है, जबकि जो मूला नक्षत्र के चंद्र है इसकी योनि श्वान है। श्वान माने कुत्ता और मांजर माने बिल्ली, तो ये दोनों भी कट्टर शत्रु है जिसके कारण आप भी अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे आपके पार्टनर के बिहेवियर के कारण, जिनका जन्म का चंद्र या तो सूर्य पुनर्वसु में है। कर्क पुनर्वसु के लिए चंद्र का ट्रांजिट पांचवें स्थान के अंदर होगा, तो पेट में कुछ गड़बड़ हो सकती है, खान पान में विशेष केयर करना होगा। कर्क पुष्य के लिए ये विपद नक्षत्र है, कर्क आश्लेषा के लिए संपत है लेकिन यहाँ पर योनि कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं, योनि कॉन्फ्लिक्ट, योनि दोष एग्जैक्टली तो नहीं है लेकिन जैसे बताया कि कुत्ता और बिल्ली का जो रिलेशन है ये कभी भी ठीक फल देने वाला नहीं है क्योंकि आश्लेषा का जो नक्षत्र जिनका जन्म हुआ है इनकी योनि होती है मांजर, और जो ये चंद्र नक्षत्र में चलने वाले हैं मूला, इसकी योनि होगी श्वान, श्वान माने कुत्ता। तो भले आपके लिए संपद है लेकिन आपको इतना कुछ खास मिलेगा नहीं। सिंह राशि वाले जातकों के लिए चंद्र का जो ट्रांजिट है वो आज आपके चौथे स्थान के अंदर होंगे, तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए चंद्र पांचवें स्थान के अंदर होंगे और पांचवें स्थान के अंदर चंद्र जो है वो मघा वाले जातकों के लिए जन्म तारा के अंदर है। पूर्व फाल्गुनी के लिए अति मित्र नक्षत्र में है, उत्तर फाल्गुनी के लिए मित्र तारा के अंदर है, तो आपके लिए कंफर्ट जोन रहेगा। चंद्र पांचवें स्थान में आपके लिए थोड़ा थोड़ा बेटर बोल सकते हैं, लेकिन मूला नक्षत्र हैं ये आपके सिंह राशि वाले जातकों के लिए वध नक्षत्र में आता है, तो आपको आज कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लाइफ का जल्दबाजी में नहीं लेना है। तो कन्या राशि के लिए फल क्या होगा, चंद्र आपके चौथे स्थान के अंदर होंगे, सुख स्थान के अंदर होंगे और ये ट्रांजिट शुभ फल देने वाला नहीं है। उत्तरा फाल्गुनी के लिए ये वध नक्षत्र मित्र नक्षत्र है लेकिन हस्त में जिनका जन्म हुआ है इनके लिए ये वध नक्षत्र है, तो आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा डेंजर बोल सकते हैं जिनका जन्म का सूर्य हस्त है या जिनका जन्म का चंद्र हस्त है। ये दोनों जातकों को प्रॉपर्टी रिगार्डिंग मैटर, रिलेशन में माता पिता, जॉब में अपर लेवल, ये सबके साथ केयर करना होगा। कन्या चित्रा के लिए प्रॉपर्टी से बेनिफिट करने वाले होंगे क्योंकि आपके लिए साधक नक्षत्र है, और तुला चित्रा के लिए सास में वृद्धि करने वाले हैं, आपके लिए ब्रदर सिस्टर्स नेबर्स के साथ रिलेशन में भी आपको इम्प्रूवमेंट करने वाले हैं। तुला स्वाति के लिए प्रत्यय है, ऑपोजिशन होगा, कहाँ से होगा, आपके भाई बहन या नेबर्स के साथ होगा। तुला विशाखा के लिए क्षेम तारा है, तो आपके साहस में वृद्धि करने वाले हैं। वृश्चिक विशाखा के लिए क्षेम तारा है, तो आपके लिए ठीक है, धन संपत्ति में वृद्धि करने वाले होंगे। अनुराधा के लिए जो ट्रांजिट है वो विपद नक्षत्र में होगी,
और ज्येष्ठा के लिए संपत्त नक्षत्र में होगी, लेकिन योनि दोष बनता है, प्योर योनि दोष बनता है तो वाणी में संयम बरतना होगा, खास करके कुटुंब के अंदर, अन्यथा कुटुंब क्लेश हो सकता है। धनु राशि वाले जातकों के लिए चंद्र अपनी ही राशि के अंदर होंगे, मूला के लिए जन्म तारा है तो एक्सीलेंट फल होगा आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि करने के लिए। जिनका जन्म का सूर्य मूला है या चंद्र मूला है, दोनों जातकों के लिए। पूर्व अषाढ़ा वाले जातक थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल महसूस करेंगे, और उत्तर अषाढ़ा के लिए ये मित्र तारा है तो ठीक है, इतना कुछ खास नहीं है, फिर भी जन्म का चंद्र हमेशा पुष्टिकर्ता माना जाता है तो थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल में वृद्धि होती है। मकर राशि वाले जातकों के लिए चंद्र 12वें स्थान के अंदर होंगे, और जो मूला का ट्रांजिट है ये उत्तराषाढ़ा के लिए मित्र तारा है, लेकिन श्रवण में जिनका जन्म हुआ है इनके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि 12वें स्थान में चंद्र और वध नक्षत्र में चंद्र आपको आज लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। मकर घनिष्ठा के लिए चंद्र साधक नक्षत्र हैं तो साधक नक्षत्र में होंगे तो आपको कहीं ना कहीं एब्रॉड रिलेशन और एब्रॉड कनेक्शन से, परदेश से आपको कुछ लाभ मिल सकता है। कुंभ घनिष्ठा के लिए चंद्र 11वें स्थान के अंदर होंगे, जो कि आपके लिए मित्रों से, स्त्री मित्रों से लाभ करने वाले होंगे। कुंभ शतभिषा के लिए ऑपोजिशन होगा आपके मित्रों के साथ, आपके संतानों के साथ। कुंभ पूर्व भद्रपद के लिए बिजनेस करियर में लाभ करने वाले होंगे, इम्प्रूवमेंट करने वाले होंगे। मीन पूर्व भद्रपद के लिए चंद्र जो है वो लाभ स्थान के अंदर होंगे, और दसवें स्थान, मीन पूर्व भद्रपद के लिए दसवें स्थान के अंदर होंगे तो बिजनेस करियर में इम्प्रूवमेंट करने वाले होंगे। मीन उत्तर भद्रपद के लिए ट्रांजिट विपत नक्षत्र में है, इम्प्रूवमेंट होगा लेकिन टेंशन के साथ होगा, लेकिन रेवती में जिनका जन्म हुआ है इनके लिए एक्सीलेंट फल होगा तो आपको सबसे ज़्यादा शुभ फल मिलेगा। 27 से 27 नक्षत्र में सबसे ज़्यादा शुभ फल मिलने वाला है जिनका जन्म का चंद्र रेवती है या जिनका जन्म का सूर्य रेवती है। ये दोनों जातकों को आज का दिन एक्सीलेंट रहने वाला है, सिद्धि योग बनता है, कार्य सिद्धि करने वाला है। आज का नक्षत्र मूला है तो आज का लकी कलर रहेगा डार्क ब्राउन एंड ग्रीन, तो कॉफ़ी कलर जैसा होता है जो केतु का कलर है, और सूर्य का जो कलर है वो ग्रीन है। खाने में हरा वाला मूंग, सफ़ेद तिल और गुड़ का प्रयोग करें, और जो लकी नंबर रहेगा आज का वो रहेगा 5, क्योंकि सूर्य जो है वो अभी ज्येष्ठा नक्षत्र में चल रहे हैं। मूला नक्षत्र की शांति के लिए क्या करना है, बहुत सिंपल प्रयोग है। आपके सराउंडिंग में, आपके घर के आसपास कहीं भी जो कहीं कुत्ते अवेलेबल हैं तो आप कुत्ते को दूध रोटी खिलाएं, और सूर्य ग्रह की शांति के लिए आप गाय को हरा वाला मूंग, सफ़ेद तिल और गुड़ मिक्स करके खिलाएं। दिन में 3 बार सूरज का दर्शन करें, और इस प्रेडिक्शन को अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, अपने फेसबुक ग्रुप के अंदर, अपने मित्रों के साथ, रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी ये प्रेडिक्शन और नॉलेज का लाभ मिले। एक बटन लाइक का जरूर बनता है। मिलते हैं एक और नए प्रेडिक्शन में जल्दी। श्री गणेश जी, माता जी, हनुमान जी, श्री द्वारकाधीश, हम सबके ऊपर कृपा करें, ऐसी शुभकामना शुभ भावना के साथ मिलते हैं जल्दी। नमस्कार, जय श्री द्वारकाधीश।